क्वेश्चन नंबर सी, चेंज इनटू रुपीस। अब हमें पैसा दे रखा है 600 पैसा, तो हमें पता है वी नो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। ओके, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। तो नाउ वी विल डिवाइड 600, है ना, तो हम क्या करेंगे 600 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो अब हमारा क्या आंसर आएगा, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तब अब हमारा आ जाएगा रुपीज सिक्स, क्या आ जाएगा, सिक्स रुपीज। ओके, नाउ वी विल डू नंबर फोर क्वेश्चन। 1925 पैसा है। फर्स्ट वी विल ब्रेक दिस नंबर। हम कैसे करेंगे, पहले हम ब्रेक करेंगे, हमारा आ जाएगा 1000 प्लस 925। ठीक है, अब हमें पता है, हमें वी नो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, तो अब हम क्या करेंगे, हम 1000 को भी हम 100 से डिवाइड करेंगे और 925 को भी 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कटा, हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने जीरो नीचे होते हैं उतने हम राइट साइड से नंबर हम छोड़ते हैं, फिर हम डिजिट लगाते हैं उतने। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, टू हम इसको हमारे क्या है, हम 100 से डिवाइड करना है, तो 100 में क्या है, टू हमारे जीरो है, तो हम यहाँ से टू नंबर के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये हमारा क्या हो गया, हमारा हमेशा टू डिजिट में क्या होता है, पैसा होता है राइट साइड से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टू डिजिट हमने छोड़े हैं, उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, तो हमारे यहाँ पे 25 क्या हो गया, पैसा हो गया, और 9 हमारा हो गया, रुपीज हो गया। हम यहाँ पर भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर के बाद, दो जीरो के बाद हमने दो, यहाँ पे भी दो जीरो, यहाँ पे दो। ठीक है, तो हम राइट साइड से हम क्या करेंगे, दो हम नंबर यहाँ पे छोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे हमने पुट किया डॉट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा 10 रुपीज हो गया। ठीक है, अब जीरो पॉइंट के बाद जो जीरो जीरो आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा 9 प्लस, ये 9 हमारा रुपी है, 10 हमारा रुपी है, तो हमारा कितना हो गया, 9 प्लस 10 19। ठीक है, और हमारा 25 पैसा। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।